Hello guys, welcome back to another daily MPPSC MCQ part number 33 presented by me Aditya Dubey. In this lesson we will look forward to some important MCQ pertaining to MPPSC examination, specifically pertaining to MPPSC prelims 2019. So सबसे पहला question है कि इनमें से कौन सी नदी USA और Mexico के बीच में एक border का काम करती है? Which river acts as border between USA and Mexico? तो इसका सही answer है option A, that is Rio Grande. ओके, रियो ग्रैंड एक ऐसी रिवर है जो कि यूएसए और मैक्सिको के बीच में एक बॉर्डर का काम करती है. अब हम इस क्वेश्चन से जुड़े कुछ ऑप्शंस हैं, उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं. यदि आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जाए कि वॉशिंगटन डीसी किस नदी के किनारे है, तो ये है पोटोमैक रिवर. ओके, पोटोमैक रिवर के किनारे है वॉशिंगटन डीसी, और वॉशिंगटन डीसी है यूएसए की कैपिटल. अगर वहीं बात की जाए न्यूयॉर्क की, तो न्यूयॉर्क इज ऑन द कोस्ट ऑफ और ऑन द बैंक ऑफ हडसन रिवर. तो आपसे अगर एग्जाम में पूछा जाए कि न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे है, तो ये है हडसन नदी के किनारे. और अगर आपसे वॉशिंगटन डीसी पूछा जाए, तो वो है पोटोमैक रिवर. अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक और ऑप्शन देख लेते हैं, जो है रिवर सीन. तो सीन रिवर जो है ये फ्लो होती है फ्रांस की कैपिटल पेरिस में. तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकता है कि पेरिस में जो रिवर फ्लो होती है उसको कहते हैं सीन, न्यूयॉर्क में हडसन, पोटोमैक वॉशिंगटन डीसी, एंड रियो ग्रैंड जो है वो यूएसए और मैक्सिको के बीच में बॉर्डर का काम करती है. लेट्स मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन है कि बोर्नियो आइलैंड इनमें से किस ओशन में है. ओके, बोर्नियो आइलैंड इज इन विच ओशन. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज पैसिफिक ओशन. अब मैं आपको मैप में दिखा दूं कि बोर्नियो आइलैंड लोकेटेड कहां पे है. तो ये आप देख सकते हैं हमारा ग्लोब. ओके, और अगर आप यहां पे देखेंगे पैसिफिक ओशन, तो यहां पे अगर मैं जूम करूंगा इंडोनेशिया के बाजू में, तो अगर आप देखेंगे बहुत ही छोटा सा आइलैंड है जिसको कहते हैं बोर्नियो आइलैंड. ओके, तो ये आप देख सकते हैं, यह है बोर्नियो आइलैंड. वहीं अगर बात की जाए दूसरे ऑप्शन की, तो अटलांटिक ओशन से रिलेटेड आपसे एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट पूछा जा सकता है कि फॉकलैंड आइलैंड किस ओशन में है. तो फॉकलैंड आइलैंड जो है वो अटलांटिक ओशन में, ये भी मैं आपको दिखा दूं मैप में. तो आप ये देख सकते हैं, ये है हमारा लैटिन अमेरिका जिसको साउथ अमेरिका के नाम से जाना जाता है. तो यहाँ के सदर्न कोस्ट में अगर आप देखेंगे जूम करके, तो आपको दिखेगा कि फॉकलैंड आइलैंड जो है ये सिचुएटेड है. और ये किस ओशन में है, तो आप जानते हैं ये है सदर्न अटलांटिक ओशन, या अगर आपसे एग्जामिनेशन में सिर्फ अटलांटिक ओशन दिया जाए तो भी सही होगा. अब अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी कंट्री ने दुनिया की सबसे पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन की शुरुआत की. विच कंट्री लॉन्च्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज जर्मनी. जर्मनी ने हाल ही में वर्ल्ड्स फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन शुरू की. तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है करंट अफेयर के पर्सपेक्टिव से. लेट्स मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन है कि सबसे पहली डायल एफआईआर स्कीम इनमें से किस भारतीय राज्य के द्वारा शुरू की गई. अब मैं इसका पहले आंसर बता दूं, देन आपको बताता हूं कि डायल एफआईआर होता क्या है. तो ये जो शुरुआत की है ये उत्तर प्रदेश ने भी हाल ही में की है. ओके, और उत्तर प्रदेश पहला ऐसा स्टेट बना है हमारे इंडिया का जिसने डायल एफआईआर स्कीम लॉन्च की है. अब डायल एफआईआर होता क्या है. अब एफआईआर तो आप जानते होंगे, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, जो कि एक कंप्लेंट होती है, पुलिस कंप्लेंट. तो ये डायल एफआईआर एक ऐसी स्कीम है जिसके माध्यम से कोई भी सिटीजन डायल करके, मींस कॉल, एक टोल फ्री नंबर पे कॉल करके वो एफआईआर रजिस्टर कर सकता है किसी के भी खिलाफ. ओके, और कंप्लेंट रजिस्टर कर सकता है, और ताकि एक फास्टर रिड्रेसल मैकेनिज्म प्रोवाइड किया जा सके. तो ये शुरू हुई है उत्तर प्रदेश में. ओके, अगला क्वेश्चन है कि काशी सीक्रेट ऑफ द ब्लैक टेम्पल इनमें से किसके द्वारा ऑथर की गई है. काशी सीक्रेट ऑफ ब्लैक टेम्पल ऑथर्ड बाय होम. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज विनीत बाजपेयी. विनीत बाजपेयी जी ने काशी सीक्रेट ऑफ ब्लैक टेम्पल बुक लिखी है, जो कि अभी काफी ज्यादा न्यूज में है और हो सकता है एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो सकती है. अगर हम दूसरे ऑप्शन की बात करें, तो वीवीएस लक्ष्मण जी की अभी हाल ही में एक आने वाली है ऑटोबायोग्राफी जिसका नाम है 281 एंड बियॉन्ड. ओके, ये उनकी ऑटोबायोग्राफी है, ये काफी इंपॉर्टेंट हो सकती है. अगर बात की जाए तीसरे ऑप्शन की, जो है शेन बॉर्न, तो उन्होंने अभी हाल ही में एक बुक लिखी है जिसका नाम है नो स्पिन. और अगर बात की जाए फोर्थ ऑप्शन की, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, तो ये छवि भारद्वाज जी के द्वारा जो बुक लिखी गई है उसका नाम है लाइक अ बर्ड ऑन द वायर. ओके, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है, और इम्पॉर्टेंट इसलिए भी क्योंकि ये छवि भारद्वाज जी जो हैं ये जबलपुर की कलेक्टर हैं और सबसे पहली वुमेन कलेक्टर बनी है जबलपुर की, और इनके द्वारा एक बुक लिखी गई है लाइक अ बर्ड ऑन द वायर. तो एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से ये भी इम्पॉर्टेंट हो सकती है. अगला क्वेश्चन है कि जल्दापारा नेशनल पार्क इनमें से किस राज्य में लोकेटेड है. ओके, जल्दापारा नेशनल पार्क लोकेटेड एट,
तो जल्दापारा नेशनल पार्क जो है वो वेस्ट बंगाल में सिचुएटेड है, ओके, वेस्ट बंगाल में है जल्दापारा नेशनल पार्क। अगला क्वेश्चन है कि आईके गुजराल जी की मेमोरियल प्लेस का नाम क्या है, ओके, मेमोरियल प्लेस ऑफ आईके गुजराल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज स्मृति स्थल। स्मृति स्थल इज द मेमोरियल प्लेस ऑफ द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आई के गुजराल। अगर बात की जाए दूसरे ऑप्शन की, तो आप जानते हैं कि एकता स्थल जो है वो ज्ञानी जेल सिंह जी का मेमोरियल प्लेस है, और वहीं अगर बात की जाए महाप्रयाण घाट की तो वो है राजेंद्र प्रसाद जी की मेमोरियल प्लेस। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट अगर बात की जाए नारायण घाट की तो ये है गुलजारी लाल नंदा जी की, ओके। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपको मेमोरियल प्लेस याद होना चाहिए, ये कुछ इंपॉर्टेंट मेमोरियल प्लेस है जो एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है। अगला क्वेश्चन है कि बेटला नेशनल पार्क इनमें से किस राज्य में सिचुएटेड है। तो बेटला नेशनल पार्क जो सिचुएटेड है वो है ऑप्शन सी, दैट इज झारखंड, ओके, झारखंड में सिचुएटेड है बेटला नेशनल पार्क। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन, आई होप आपको ये पसंद आया हो। यदि आपको मेरा इनिशिएटिव पसंद आया तो प्लीज सपोर्ट कीजिए लाइक और कमेंट करके, और इसके अलावा अगर आप मुझसे कुछ और रिक्वेस्ट करना चाहते हैं या किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप मुझे बिल्कुल कमेंट करके बता सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू आउट, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। बाय बाय।